अच्छा तो दोस्तों, इस गाड़ी की बात करते चले तो ये है आपकी टोयोटा करोला XLi और ये 1300 सीसी में आती है। BBBTI इंजन होता है इसका। और इसी के साथ साथ अगर हम इसकी बाहर एक्सटीरियर वाइज लुक की बात करते चले तो यहाँ पे आपको जो है आगे नीचे फोग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि बम्पर में आते हैं, और ये लाहौर नंबर गाड़ी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं इसके अंदर, और साथ ही आपको ग्रिल नजर आ जाती है जो कि क्रोम प्लेटेड हुई होती है इसकी। और इसी के साथ साथ हम गाड़ी की रिम्स की बात करते चले तो जो इसके ओरिजिनल रिम आते हैं वही हैं जो कि 15 इंच का रिम आता है, और टायर्स की कंडीशन निगोशिएबल है, काफ़ी अच्छी टायर्स की है कंडीशन है, और वाइट कलर के अंदर पल वाइट कलर है इसका। और यहाँ पर जो है इसका जो ये वाला दरवाज़ा है ये एक टचिंग में है, बाकी गाड़ी पूरी जेन्युइन है। और इसी के साथ साथ आपको मैं इसका रूफ दिखाता चलूँ तो गाड़ी की पीछे से लुक आपको दिखाता चलो तो यहाँ पर जो है इन्होंने पीछे से गाड़ी को जो है इसकी जो रेयर स्किन है वो ब्लैक टिंटेड हुई भी है, और यहाँ पर ये इसकी पिछली क्या कह सकते हैं कि बैक है। और गाड़ी के ओरिजिनल अपने साउंड में और इसकी माइलेज वगैरह मैं उनसे पूछ के आपको ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ पर जो है हम गाड़ी के इंजन की तरफ चलते हैं। इसी के साथ साथ इसके इंजन की बात करते चलें तो इसका इंजन जो है वो मैंने जिस आपको बताया कि 1300 सीसी के अंदर आता है, और ये क्योंकि XLi है तो इसका 1300 सीसी में आता है इंजन। और ये 16 मॉडल है, 2016 मॉडल गाड़ी है, और ये इसकी जो इंजन चला पे वो 3 लाख किलोमीटर चला पे इंजन, और अभी भी ये एवरेज जो है काफ़ी अच्छी दे रहा है, 15-16 की एवरेज आपको ये दे रहा है। और इसी के साथ साथ जो है फर्स्ट ऑनर गाड़ी है ये, और क्योंकि कंडीशन से हमें पता चल रहा है। इसके साथ साथ हम अगर अंदर इसके इंटीरियर की बात करते चलें तो इंटीरियर के लिहाज से जो है ये गाड़ी काफ़ी अभी भी अच्छी कंडीशन के अंदर है। इसके अंदर जो है स्किन पॉशिश हुई हुई है, और वेलवेट के अंदर जो स्किन पॉशिश होती है वो हुई हुई है। और इसके साथ साथ जो है इसके जो जो इसके मिरर्स हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, क्योंकि ये वो वाला वेरियंट नहीं है जिसके अंदर जो पावर विंडो आती है। और इसी के साथ साथ हम पीछे चलें तो यहाँ पर पीछे हमें जो है वो स्पीकर नहीं है इसके अंदर। और आगे जो है आगे चलते हैं तो इसकी जो लेग स्पेस की बात करते चले तो लेग स्पेस बेशुमार लेग स्पेस है, कोई 4 उंगलियां 5 उंगलियां कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है इसकी, और कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छी गाड़ी है ये। और यहाँ पर आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है पावर स्टेयरिंग नज़र आ जाता है, और RPM मीटर नज़र आ रहा है, और इसी के साथ साथ जो है नीचे आपको जो है इसके पावर मिरर नज़र आ जाते हैं, साइड मिरर इसके पावर्ड है, और यहाँ पर जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो है आपको ये 12 वॉट का जो है सॉकेट नज़र आ रहा है, और 120 वॉट का जिसके साथ आपका जो है लैपटॉप तक भी चार्ज हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो गाड़ी की जो डिमांड की बात करते चलते हैं, गाड़ी की अगर डिमांड की बात करते चलें तो इस वक्त जो है ये 32.5 लाख रुपए में गाड़ी देने को तैयार हैं। तो अगर आपने गाड़ी लेनी हो तो इनसे फ़ोन नंबर हम पूछ लेते हैं, उससे आप रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? नौमान फरहान। नौमान भाई, ये गाड़ी थी XLi 1300 सीसी और ये 3 लाख माइलेज थी, तो जी, गाड़ी के जो टोकन है वो क्लियर है? जी जी, सब कुछ क्लियर है, फर्स्ट ऑनर है। और कहाँ की रजिस्टर्ड है गाड़ी? ये लाहौर नंबर है। लाहौर नंबर है। तो गाड़ी का आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, किस लिहाज से गाड़ी कितनी अच्छी है? ये जो गाड़ी का समझ रखते हैं वो डिटेल जब चेक करेंगे तो उन्हें समझ लग जाएगी कि गाड़ी कैसी है। और क्या डिमांड कर रहे हैं अभी आप? 32.5। अपना फोन नंबर बोल दे। जी 0307541188। और गाड़ी की लोकेशन बता दें? गुजर खान सिटी है। गुजर खान सिटी। जी ठीक हो गया, चले बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।